दूसरे वनडे मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया। सीरीज में 2-0 की बनाई है बढ़त। गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन और रोहित शर्मा की अर्धशतक के पारी के दम पर भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 8 विकेट से जीत लिया है। वही जीत के साथ ही भारत ने अपने घर में लगातार 7वीं वनडे सीरीज जीत ली है। टीम पिछले 4 सालों से होम वनडे सीरीज नहीं हारी है। वही वनडे जो है वनडे में भारत की लगातार 6ठी जीत भी है। वही रायपुर के वीर नारायण स्टेडियम पर भारत ने यहाँ पर टॉस जीतकर पहले बोलिंग करने का फैसला यहाँ पर लिया। वही टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 34 ओवर और 3 गेंदों में 108 रन फॉर आउट हो गई। उसकी ओर से ग्लेन फेलिक्स ने सबसे ज्यादा 36 रन बनाए। वही मिशेल सेंटनर ने 27 और शतकीय वीर माइकल ब्रेसवेल ने 22 रन बनाए। वही कीवी टीम के 8 बल्लेबाज 10 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। वही भारत के लिए मोहम्मद शमी ने 3 विकेट और हार्दिक पांड्या और वॉशिंगटन सुंदर को 2-2 सफलता मिली। वही मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव को 1-1 विकेट मिला। जवाब में भारत ने 20 ओवर में 2 विकेट पर जीत हासिल कर ली है। वही कप्तान रोहित शर्मा ने 51 रन बनाए। वही उन्होंने 48वां अपना जो अर्धशतक है वो लगाया। वही रोहित ने शुभमन गिल के साथ 86 रन की यहाँ पर 86 गेंदों पर बेहतर रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की। पिछली 5 पारियों में दोनों ने चौथी बारी 50+ की साझेदारी की है। वहीं भारत की ओर से यहाँ पर विराट कोहली इस मैच में 11 रन बनाकर आउट हुए और शुभमन गिल जो है नाबाद रहे। शुभमन गिल ने 40 रन बनाए 53 गेंदों में। वहीं ईशान किशन 9 गेंदों में 8 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात करें तो लॉकी फर्गुसन ने 5 ओवर में 21 रन देकर विकेट उनको नहीं मिला। वहीं शेफले ने यहाँ पर 5 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट झटका। वही मिशेल सेंटनर ने 4 ओवर और 1 गेंदों में 28 रन देकर 1 विकेट झटका। वही माइकल ब्रेसवेल ने 2 ओवर में 13 रन देकर उनको कोई सफलता हासिल नहीं हुई। वही भारत ने ये जो मैच है वो 8 विकेट से जीत लिया है।